नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा कि आपका हिंदुत्व कहां चला गया, आपको बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का नहीं है अधिकार। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वोट बैंक की वजह से शिवसेना यूबीटी को लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर हासिल हुई है जीत। नेट परीक्षा के रद्द होने पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एजुकेशन इमरजेंसी, केंद्र सरकार को लाखों छात्रों की कोई नहीं है परवाह, वो केवल पीआर कर रहे हैं ध्यान केंद्रित। शिवसेना के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के मौके पर उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा कि आत्मविश्वास और अहंकार में है अंतर, कहा पीएम मोदी में है अहंकार। मुसलमानों का वोट मिलने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदुओं का भी मिला है वोट और मुसलमानों का भी मिला है वोट। मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज, सीडी बर्फीवाला और गोखले ब्रिज के अलाइनमेंट का काम लगभग हो गया है पूरा। 1 जुलाई से आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इस ब्रिज के खुलने से अंधेरी पश्चिम के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जुहू तक का लगभग 9 किलोमीटर लंबा सफर महज 15 मिनट में कर सकेंगे पूरा। महाराष्ट्र एटीएस को मिला नया चीफ, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नवल बजाज को एटीएस का प्रमुख किया गया नियुक्त। नवल बजाज ने सीबीआई में संयुक्त निदेशक के तौर पर की थी कोयला घोटाले की जाँच। वसेरिन हत्याकांड के बाद अब पालघर के विरार से आया एक हैरान कर देने वाला मामला सामने। पारिवारिक झगड़े के चलते दामाद ने अपनी सास की चाकू मारकर कर दी हत्या। मृतक महिला की पहचान लक्ष्मी हरिकाम्बे के रूप में हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची विरार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की आगे की जाँच। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज सुबह हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक सिंधुदुर्ग, सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी, कोकण समेत कई हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। नासिक के हरसुल में 77 मिलीमीटर और रत्नागिरी में 71 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज, कहा मैं फिर से आऊंगा बोलने वाले, अब कहते हैं कि मुझे जाने दो घर, अब बज गया है 12। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा मैं आपको निमंत्रण देता हूं, विधानसभा का प्रचार अभी से करें शुरू, मैं और आप एक तरफ, कहा बिना नाम चुराए धनुष बाण को बगल में रखकर और नए चुनाव चिन्ह को लेकर दे हमें टक्कर। मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। पश्चिम रेलवे लाइन पर यातायात हुआ प्रभावित। बोईसर उमरौली के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण ट्रेनें हुई बाधित। 30 से 40 मिनट की देरी से चल रही है लोकल ट्रेनें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।